ट्रांसफार्मर के इस सवाल में हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी दी हुई है और हमें ऑल डे एफिशिएंसी निकालनी है। तो जो डाटा दिया हुआ है वो कहता है मैक्सिमम एफिशिएंसी इज एट 0.998 एट 15 KVA। तो एफिशिएंसी इज 0.98 और यू कैन से 98% एट 15 KVA एंड UPF यूनिटी पावर फैक्टर। और ट्रांसफार्मर की लोडिंग दिखाई है, इट इज़ गिवन एज से वी आर नोटिंग इट डाउन एज सीरियल नंबर, किलो वॉट लोड, और वो लोड कितनी देर के लिए है और कितनी पावर फैक्टर पर है, दैट इज गिवन इन अ न्यूमेरिकल। सो वी आर हैविंग थ्री वैल्यूज फॉर लोड। वन इज 2 KW, इट इज एट पावर फैक्टर ऑफ 0.5 फॉर 12 वाट्स। और दूसरा जो लोड है वो 12 KW का है एंड पावर फैक्टर है 0.8 और वर्किंग आवर्स हैं 6। तीसरा लोड वेरिएशन दिया है 18 KW एट 0.9 पावर फैक्टर विथ 6 आवर्स वर्किंग। हमें निकालना है ऑल डे एफिशिएंसी। अब हमारे पास एफिशिएंसी दी हुई है इधर पर जो कि मैक्सिमम एफिशिएंसी है। मैक्सिमम एफिशिएंसी से हमें क्या क्लियर हो जाता है, आयरन और कॉपर लॉसेस मिल जाएंगे यदि केवीए दिया है, रेटिंग दी है, और उनसे चूंकि आयरन कॉपर लॉसेस क्यूमुलेटिव मिलते हैं पर मैक्सिमम एफिशिएंसी पर दोनों आइडेंटिकली हाफ हो जाते हैं, तो वहां से हमें कॉपर लॉसेस एनलिस्ट हो जाएगा फॉर ऑल डे एफिशिएंसी। तो हमारा आउटपुट पावर जो है वो कितना है, इट इज वी आई कॉस फाई और यूनिटी पावर फैक्टर बोला है तो इट वुड बी 15 KVA इंटू यूनिटी पावर फैक्टर, सो इट विल गिव अस 15 KW। ओके, सो 98% एफिशिएंसी है, परसेंटेज एफिशिएंसी इज आउटपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। सो हियर वी गेट पी आई प्लस पी कॉपर, दैट इज टोटल लॉसेस एज व्हाट दिस आउटपुट पावर, इट इज 15 KW डिवाइडेड बाय 15 प्लस लॉसेस इज इक्वल टू 0.98। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं सो व्हाट वी गेट इज द टोटल लॉसेस, दे आर 3.306 वॉट्स। सो 306 वॉट्स जो टोटल लॉसेस हैं वो चूंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी पर दिया है तो वी कैन गेट देम एज डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 153 वॉट। सो 153 वॉट ईच इज आयरन लॉस एज वेल एज कॉपर लॉस एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो अब हमारे पास कॉपर लॉस तो आ गया, आयरन लॉसेस फुल डे एफिशिएंसी के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 24 आवर्स से। तो व्हाट वी गेट इज टोटल आयरन लॉसेस अकरिंग थ्रू आउट द डे एंड इट गिव्स अस 3.672 KW और 3672 वॉट्स। तो आयरन लॉस मिल गया। कॉपर लॉस चूंकि लोड के साथ चेंज होना है तो उसको हम स्टेबल पर ही सॉल्व करते हैं। तो कॉपर लॉसेस इन किलो वॉट्स इफ वी हैव टू राइट, तो वी विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10^-3। सो 0.153 वुड बी 0.153 KW वुड बी द कॉपर लॉस एट स्टैंडर्ड्स, बट आफ्टर वेरिएशन विद द लोड हाउ वी राइट इट, तो उसके लिए सबसे पहले हमें किलो वोल्ट ऑफ आउटपुट भी लेना होगा। किलो वोल्ट्स कैसे लोगे, आपको यहाँ पर किलो वॉट से को पावर फैक्टर से डिवाइड करना होगा। तो पहले हम लेंगे केवीए लोड फॉर गेटिंग इट सिंप्लीफाइड, सो इट वुड बी 2 / 0.5 गिव्स यू वॉट 4 KV एम्पियर, देन 12 / 0.8 इट इज 15 हियर, एंड फॉर थर्ड केस इट इज 18 / 0.9, सो दिस गिव्स अस वैल्यू ऑफ 20 KVA। अब हमें कॉपर लॉसेस कैसे मिलेंगे, ये बेस वैल्यू जो हमारी थी 15 KVA था, मैक्सिमम एफिशिएंसी एट यूनिटी पावर फैक्टर लोड विद 15 KVA वाज 98%, और इस केस में हमारा कॉपर लॉस था 0.153 किलोवाट।
ठीक है, तो अब इसको हमें रिस्पेक्टिव लोड के साथ चेंज करना होगा। तो फर्स्ट केस में 0.153 इंटू 4 के वी ए डिवाइडेड बाय 15 के वी ए होल स्क्वायर्ड विल गिव अस व्हाट द वैल्यू एज 0.0108। सिमिलरली इन सेकेंड केस अवर के वी ए रेटिंग इज 15। अर्लियर हमारा रेटिंग जो ट्रांसफार्मर की है वो भी 15 के वी ए है, तो जो कॉपर लॉसेज हैं दोनों केस में सेम होंगे 0.153 किलोवाट्स। और तीसरे केस में हमारा जो के वी ए रेटिंग है वो 20 है, रेटेड वैल्यू वॉज एट 15, तो क्या होगा 20/15 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस 0.153 विच गिव्स अस कॉपर लॉसेज इन थर्ड केस एज 0.2722 किलोवाट्स। और अब हमें आउटपुट निकालने होंगे, इसका भी किलोवाट आर निकालना होगा, इसका भी किलोवाट आर निकालना होगा, तो हम दो कॉलम फिर से बनाते हैं। तो यहां पर है आउटपुट इन किलोवाट आर एंड लास्ट वन इज कॉपर लॉसेस इन किलोवाट आर। सो वी हैव टू बेसिकली मल्टीप्लाइड दिस किलोवाट कंजम्पशन बाय दिस आर्स फॉर विच इट इज अकरिंग। तो आउटपुट इन किलोवाट आर 2 किलोवाट्स है फॉर 12 आवर्स, इट विल गिव यू 24 एंड कॉपर लॉसेस 0.0108 फॉर 12 आवर्स, सो दिस विल गिव अस व्हाट द वैल्यू इज 0.130। इन सेकेंड केस द आउटपुट वुड बी योर 12 फॉर हाउ मेनी आवर्स, 6 आवर्स, तो इट इज 72 वाइल कॉपर लॉसेस 0.153 फॉर 6 आवर्स, इट गिव्स अस 0.918। थर्ड केस इट इज 18 किलोवाट फॉर 6 आवर्स, सो इट वुड बी 108 किलोवाट आवर वाइल कॉपर लॉसेज वुड बी 0.272 इंटू 6, दिस गिव्स अस 1.632 किलोवाट आवर्स। तो अब हमें इस टेबुलर में दो चीजों का समेशन चाहिए, वन इज आउटपुट पावर इन किलोवाट आवर, दिस इज एक्चुअली 204 किलोवाट आवर्स, और दूसरा हमें चाहिए कॉपर लॉसेस का समेशन विद वेरियस लोड्स, सो इट बिकम्स 2.68 किलोवाट आवर्स। अब हम रेडी हैं आउटपुट ऑल डे एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए। तो ऑल डे एफिशिएंसी वुड बी आउटपुट इन किलोवाट आवर डिवाइडेड बाय इनपुट इन किलोवाट आवर। आउटपुट पावर इन किलोवाट आवर्स डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इन किलोवाट आवर्स। तो इनपुट क्या है, आउटपुट प्लस लॉसेस, तो आउटपुट वॉज 204 वाइल इनपुट वॉज 204 प्लस आयरन लॉसेस वर 3.672 वाइल कॉपर लॉसेस वर 2.68। All these values are in hourly. So what we get is 204 divided by 210.352, which gives us all day efficiency as 96.98%. This is more accurate efficiency for distribution type of transformer, क्योंकि इस case में iron losses तो constant होते हैं पर कॉपर लॉसेस पर आर लोड के हिसाब से वेरी करते जाते हैं और उसको हम ऑल डे एफिशिएंसी में इंक्लूड कर पाते हैं, तो ट्रांसफॉर्मर के लिए हमें एक्यूरेट डाटा मिल जाता है।